चलो तो स्टार्ट करें। देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में आज, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है। देखो पेडिग्री एनालिसिस क्या है, पहले इसको समझो। आपने मेंडल के क्रॉस कराए, जब आपने मेंडल के क्रॉस कराए थे तो वहां पे क्या हुआ था, आपने किसके लिए किया था, पी के लिए। क्या नाम था पी का? पाइसम सटैवम के लिए। तो जब वहां पर मेंडेलियन क्रॉस कराए तो वहां पे उन क्रॉसों कराने के बाद हमने क्या किया, देखा अच्छा कौन कौन से करेक्टर आ सकते हैं, ऐसा किया था। क्या ह्यूमन बींग में भी ऐसी क्रॉस करा सकते हैं? हाँ भाई, तू लंबा है तू छोटी है, चलो क्रॉस कराओ, फिर मैं तुम्हारे बच्चे चेक करूंगा, ऐसा होगा? ऐसे नहीं कर सकते, मनमानी थोड़ी कर सकते हो तुम। पेड़ है बेचारा कुछ नहीं कह रहा, चूहे हुए हैं कुछ नहीं कह रहे, इंसान को पकड़ लिया, तू लंबा है ये छोटी, चल तुम दोनों की शादी कराता हूँ। वो कह रहा है इससे करूंगी करूंगा, वो कह रही है इससे करूंगी शादी, नहीं कर रहे हम शादी। तो वहां फोर्स नहीं कर सकते, तो वहां पर आप लोग मेंडल की क्रॉस नहीं करा सकते, यानी पुनेट स्क्वायर नहीं बना सकते। तो फिर आप क्या करते हो, आप करते हो पेडिग्री एनालिसिस। अब क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस का मतलब सिर्फ सिंपल सा एक ही मतलब है, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री, फैमिली ट्री को ही आप लोग क्या बोलते हो, पेडिग्री एनालिसिस। देखिए हैरी पॉटर, देखिए उसमें देखा हैरी पॉटर जब सीरियस ब्लैक के घर में गया था तो वहां पे एक पेड़ बना हुआ था, एक फैमिली ट्री बना हुआ था जिसकी ब्रांचेस निकली हुई थी। यहाँ पे सीरियस ब्लैक बना हुआ था, यहाँ उसका भाई बना हुआ था, ऐसे ऐसे माँ बाप, पहले तो माँ बाप ही बनेंगे, तो माँ बाप पहले दादा दादी, परदादा दादी, फिर दादा दादी, फिर माँ बाप, फिर उसके घर वाले। तो ये क्या है, ये बस एक फैमिली ट्री है। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है, बस एक फैमिली ट्री है जिसकी हेल्प से हम ये स्टडी कर सकते हैं कि कोई भी जो करेक्टर है, करेक्टर भी हम लोग किसकी बात करते हैं, डिजीज की बात करते हैं, कि कोई भी डिजीज है तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, उसी को क्या बोला, पेडिग्री एनालिसिस। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखो एक सिंपल सी ट्रिक तरीका बता रहा हूँ, वहीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। लेकिन उससे पहले ना कुछ डिनोटेशंस भी बता दूं, कुछ डिनोटेशंस। जैसे अगर एक सर्कल बना हुआ है तो क्या होगा, फीमेल। अगर कभी सर्कल में दिया हुआ है आपको, ये रिप्रेजेंटेशन है पेडिग्री की, कि सर्कल बनाए तो फीमेल, स्क्वायर बनाए तो मेल, और अगर ऐसे बना हुआ है तो सेक्स इज अनस्पेसिफाइड। सेक्स क्या है, अनस्पेसिफाइड मतलब आपको नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, क्लियर है। अब अगर ऐसे बना हुआ है, देखो ऐसे बना हुआ है तो यहां पे ये क्या हो रहा है, मेटिंग हो रही है ना। मीटिंग मतलब ये कपल्स है ना, यानी कि शादी हो गई। अगर ये वाला बताओ जरा मुझे, अगर ऐसे बना हुआ है तो मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, यानी यहां पे क्या हो रहा है, रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग हो रही है। अगर यहां पर ऐसे बना हुआ है यानी पूरा डार्क है तो ये क्या है, अफेक्टेड फीमेल, है ना, अफेक्टेड फीमेल। फीमेल क्या है, अफेक्टेड है, यानी हम ऐसे बना लेते हैं, देखो अगर ऐसे बना हुआ है तो ये क्या है, अफेक्टेड फीमेल। अगर ऐसे बना हुआ है तो अफेक्टेड, हाँ अफेक्टेड मेल। अगर ऐसे बना हुआ है यानी यह कलर्ड है तो ये कैरियर, कैरियर फीमेल है, यानी इस फीमेल के पास जीन तो है डिजीज वाली लेकिन वो उसके अंदर एक्सप्रेस नहीं हो रही, यानी वो रेसेसिव जीन है ना। अगर ऐसे बना होगा तो क्या होगा, कैरियर मेल। बोलो भाई जरा, अच्छा देखो अगर ऐसे बनाए, एक मेल एक फीमेल और एक मेल, और यहां से ऐसे बना हुआ है इस तरह से कुछ बना हुआ है, तो इसका मतलब ये पेरेंट्स थे, ये पेरेंट्स थे और ये उनकी
प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग, तो ये उनकी प्रोजेनी। अगर ऐसे बना हुआ है और बीच में लिखा हुआ है 5 ऐसे ही है ना, तो इसका मतलब क्या है, ऑल 5 जनरेशंस आर अनअफेक्टेड या अनअफेक्टेड एंड अनस्पेसिफाइड, या अनअफेक्टेड ही बोल दो, ठीक है। अगर इसी को मैं शेड कर देता तो ऑल 5 जनरेशंस आर अफेक्टेड। बोलो क्या ये सिंबल्स आप लोग याद रख पाओगे? अगर ये सिंबल याद नहीं है, दैट मींस फिर आप पेडिग्री एनालिसिस को नहीं पढ़ पाओगे, आप उसको नहीं कर पाओगे, है ना। बोलो क्लियर है, समझ आ रहा है? मिटा दूं, आगे बढ़े। चलो अब अगर हम डिजीज की बात करें, यानी यहां पर डिजीज की बात करें, तो यहां पर आप दो तरह की डिजीज पढ़ते हो पेडिग्री एनालिसिस में। एक पढ़ते हो ऑटोसोमल डिजीज। ऑटोसोमल डिजीज के दो चार एग्जांपल बता दो। हाँ, थैलेसमिया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड नहीं है, तो फिर कौन है? हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड है। तो ऑटोसोमल कौन कौन है? सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसमिया। तो ये सब क्या है? ऑटोसोमल है। इनको भी लिखेंगे अभी, चिंता मत करो, है ना। तो एक तो होती है ऑटोसोमल डिजीज और एक होती है सेक्स लिंक्ड डिजीज। तो एक हो गई ऑटोसोमल और एक हो गई सेक्स लिंक डिजीज। अब जब हम लोग बात करते हैं ना सेक्स लिंक डिजीज की, तो सेक्स लिंक डिजीज भी दो तरह की होती है। एक होती है एक्स लिंक डिजीज और सेकेंड वन इज वाई लिंक्ड डिजीज। बोलो पता चला? इतनी बात तो क्लियर है सबको? देखो वाई लिंक डिजीज में हमेशा मेल से मेल ही डिजीज ट्रांसफर होगी, फीमेल में डिजीज कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि वाई क्रोमोसोम किसके पास होता है? मेल के पास होता है। तो डिजीज किस में जाएगी? सिर्फ मेल में जाएगी। तो ये तो सबसे लल्लू था। अब आते हैं ऑटोसोमल और सेक्स लिंक कैसे पहचानेंगे, है ना, उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं, डोमिनेंट और रिसेसिव। देखो ऑटोसोमल डिजीज भी दो तरह की होंगी, एक तो होगी डोमिनेंट एंड द सेकंड वन इज रिसेसिव, है ना। अब जो डोमिनेंट ऑटोसोमल डिजीज है वो क्या होगी? हर जनरेशन में होगी, है ना, ठीक है। तो एनी मेंबर ऑफ ईच जनरेशन इज अफेक्टेड। हर एक जनरेशन का कोई ना कोई मेंबर हमेशा अफेक्टेड होगा, हर जनरेशन में कोई ना कोई मेंबर अफेक्टेड होगा, यानी ये कंटिन्यू चल रही है भैया, ठीक है। जबकि रेसिसिव में क्या होगा? नॉट नेसेसरी, या क्या लिखे जरा बताओ, नॉट एवरी जनरेशन इज नॉट, ऐसे लिखते हैं, हाँ, मे और मे नॉट मेंबर of every generation is affected, यानी recessive में affected हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना। normally हर generation में affected नहीं होते recessive में, लेकिन dominant में क्या होगा? हर generation में affected होगा। बोले बात clear है। sex link में भी x linked की बात कर रहे हैं हम लोग, x link भी दो तरह की होगी, dominant और रेसेसिव। डोमिनेंट या रेसेसिव। अब एक बात बताओ, अगर डोमिनेंट है एक्स लिंग में, डोमिनेंट का मतलब, एक्स लिंग का मतलब जीन कौन से क्रोमोसोम पे? एक्स क्रोमोसोम पे। अगर वो अफेक्टेड है तो वो एक्स किस में जा रहा है? मेल में भी जा रहा है और फीमेल में भी। तो मेल फीमेल दोनों में जाएगा,
बोलो हाँ यार, जाएगा दोनों में करा के देख ले एक बार, एक डिजीज ले लूं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ताकि वो चीज क्लियर हो जाए, है ना। एक एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, हम लोग ले लेते हैं कौन सी डिजीज, ले कलर ब्लाइंडनेस ले ले, है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो फीमेल कलर ब्लाइंड है डोमिनेंट, लेकिन मेल पे कुछ भी नहीं है सपोज दैट, ठीक है। अब क्रॉस होगा, एक होगा एक्स और ये होगा एक्स वाई, यानी एक तो बना एक्स सी एक्स, ये तो क्या हो गया कैरियर, कैरियर, फिर ये कैरियर कैसे हो गया भाई, ये तो डोमिनेंट की जीन है ना। तो देखो कलर ब्लाइंडनेस जो है एक रेसेसिव डिजीज है, इसलिए अपन लोग कलर ब्लाइंडनेस की जगह ना एक डिजीज ले लेते हैं जिसको अपन लोग बोल देते हैं, किससे डिनोट करें, ए से डिनोट कर देते हैं, ए से डिनोट कर देते हैं ताकि यार तुम लोगों का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। देखो एक्स ए और एक्स और एक्स ए और वाई, इतना दिख रहा है, और क्या बनेगा दोबारा से एक्स ए और एक्स, एक्स ए और वाई, यानी मेल फीमेल दोनों क्या होंगे, अरे दोनों अफेक्टेड होंगे भाई, डोम क्या कर रहे हो, एक बात सुनो, अगर एक्स लिंक डिजीज डोमिनेंट है तो डोमिनेंट करेक्टर कौन होता है जो अपने आपको एक्सप्रेस करे, डोमिनेंट करेक्टर कौन होता है अपने आपको एक्सप्रेस करे, यानी इसमें तो सब में होंगे ना, मेल या फीमेल, ऑल आर अफेक्टेड, तो डोमिनेंट में क्या होगा, ऑल आर अफेक्टेड, दोनों अफेक्टेड होंगे भाई, चाहे मेल हो या फीमेल, है ना, ऑल आर अफेक्टेड आइदर मेल और फीमेल। लेकिन अब रेसेसिव में ऐसा नहीं होता, रेसेसिव में जैसे अपन लोग बात करें, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, तो ये कलर ब्लाइंड है, मानो दोनों कलर ब्लाइंड थे, यानी फीमेल कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड का मतलब ये नहीं है कि उसको कोई कलर नहीं दिख रहा, उसको रेड और ग्रीन नहीं दिखता है ना, तो बस उसको ड्राइविंग करने में दिक्कत आएगी कि पता पड़ा रेड लाइट हो गई उसको ग्रीन दिख रही है, ग्रीन हो गई उसको रेड दिख रही है, तो उसके लिए वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ऊपर वाली लाइट रेड होती है और नीचे वाली ग्रीन होती है ना। तो अब क्या होगा, एक तो आया एक्स सी और एक्स और एक आया एक्स सी और वाई, अब रेसेसिव है, अगर रेसेसिव है तो फीमेल तो क्या होगी कैरियर, लेकिन ये क्या होगा अफेक्टेड, इसका मतलब अगर रेसेसिव एक्स लिंक डिजीज है तो यहां पर हमेशा फीमेल से जाएगी मेल में, मेल चाइल्ड में ही जाएगी, बस फीमेल अगर कैरियर है या फीमेल कैरियर नहीं है, फीमेल अफेक्टेड हो या कैरियर हो, हमेशा फीमेल से किस में जाएगी मेल में, और फिर मेल से जाएगी अगेन फीमेल में, मेल से फीमेल और फिर फीमेल से मेल, या फीमेल से मेल और मेल से फीमेल, पता चल रहा है। सेम अगर यहां पे अगर मेल होता तो मेल से किस में जाती फीमेल चाइल्ड में, और फीमेल चाइल्ड से किस में जाती मेल चाइल्ड में, पता चला, पहचान पा रहे हो, अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा इसमें पहचान लोगे ऑटोसोमल, अच्छा यार एक बात बताओ, अगर मैं ऑटोसोमल डिजीज और सेक्स लिंक डिजीज की बात करूं, ये कैसे पहचाने कि डिजीज ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट और रेसेसिव तो आप पहचान जाएंगे, देखो यहां पे भी आप डोमिनेंट और रेसेसिव पहचान सकते हो, देखो चल रहा है, हाँ कि डोमिनेंट रेसेसिव पहचान सकते हो, हर प्रोजेनी में किसी ना किसी मेंबर में होगा, हर जनरेशन में, लेकिन हर जनरेशन में हर मेंबर में नहीं होगा, यानी पता पड़ा कि सेकंड जनरेशन आई या फर्स्ट जनरेशन आई उसमें नहीं था, लेकिन सेकंड में एक्सप्रेस हो रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना। सेम अगर एक्स लिंक्ड है तो डोमिनेंट है तो मेल फीमेल सब अफेक्टेड होंगे, दोनों अफेक्टेड होंगे, रेसेसिव में अगर कैसे पहचानोगे, रेसेसिव एक्स लिंक में अगर फीमेल अफेक्टेड है तो उससे कौन जाएगा, मेल अफेक्टेड होगा, और मेल से अगेन कौन आएगी, फीमेल होगी, इतना तो क्लियर है। अब अगर मैं आपसे बोलूं ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड में कैसे पहचानोगे तो मुझे बताओ, कैसे पता कि सेक्स क्रोमोसोम पे होगी,
बस भले ही दो होती हैं सेक्स लिंक डिजीज, लेकिन फिर भी कौन कौन कैसे पता करोगे, ये पूछ रहा हूँ, कैसे पता करोगे? अरे अगर पेडिग्री नहीं है, नॉर्मली बोल दिया कि बताओ, जैसे मैं आपको पेडिग्री बना के मैं दूंगा एक, है ना, और मैं बोल दूं बताओ ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है, तो कैसे बताओगे? बोलो कैसे बताओगे ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है? देखो सुनो, मैं बताता हूं, बहुत आसान है। ये जो डोमिनेंट रेसेसिव देखा ना, इसी को पकड़ लो। आपके सिलेबस में वाई लिंक्ड नहीं है और एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट और रेसेसिव है। सुनो, आपके सिलेबस में ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव है और एक्स्ट लिंक रेसेसिव है, दिख रहा है? अब ऑटोसोमल में देखो, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला पार्ट नहीं है, यानी ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ये वाला पार्ट तो यार दे दो, तुम देख के पहचान जाओगे, मेल से मेल जा रही है, वाई लिंक्ड है। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैंने एक पेडिग्री बनाई, देखो मैंने बोला फीमेल इज अफेक्टेड और वो मेटिंग कर रही है मेल के साथ जो अनअफेक्टेड है, और उससे बन रही है चाइल्ड, उससे बन रही है चाइल्ड, चाइल्ड, ठीक है, जिसमें मेल अफेक्टेड था, बताओ ऑटोसोमल या सेक्स लिंक? सेक्स लिंक। क्यों? फीमेल से किसमें है? मेल। लेकिन अभी ये पेडिग्री खत्म नहीं हुई, ये मेटिंग कर रहा है किसके साथ? एक फीमेल के साथ, यानी इसकी मेटिंग हो रही है किसके साथ? एक फीमेल के साथ, और अब फिर से चाइल्ड बनी, देखो ऐसे। अब बोलो अब भी क्या है? सेक्स लिंक। क्यों? फीमेल से मेल, मेल से, लेकिन अगर मैं यहां पे बोलता मेल अफेक्टेड है और यहां पे भी मेल अफेक्टेड है, अब बोलो, और फीमेल पे कुछ भी नहीं है, अब ऑटोसोमल हो गया, अब हो गया ऑटोसोमल, यानी आप एक ही जनरेशन से नहीं बता सकते, आपको दूसरी जनरेशन भी देखनी पड़ेगी, समझ आया? तो यहीं से देख सकते हो, पहचान लोगे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? पक्का? अगर सेक्स लिंक डोमिनेंट है तो सारे के सारे अफेक्टेड, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो हर जनरेशन में कोई ना कोई एक अफेक्टेड होगा, देखो यहां पे एक अफेक्टेड है, यहां पे एक अफेक्टेड है, अगर क्रिस क्रॉस हो गया फीमेल से मेल, मेल से फीमेल, इसको बोलते क्रिस क्रॉस, क्या बोलते? क्रिस क्रॉस, या मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, तो ये क्या है? क्रिस क्रॉस है, तो क्या होगा? सेक्स लिंक होगा। बोलो पहचान लोगे? कुछ क्वेश्चन से करें, यहां तक किसी को कोई आपत्ति? कर लोगे पक्का? मिटा दूं? चलो, और मिटा करके कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन खेलें। मैं सोच रहा हूं एक चीज और आपको बता दूं, डिजीज बता देता हूं कौन सी डिजीज कौन सी होती है ना, देन फिर अपन लोग क्रॉस कराएंगे, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूं कौन सी डिजीज कौन सी होती है, एंड देन अपन लोग क्रॉस कराएंगे, है ना? देखो, अगर मैंने बोला हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, अगर मैंने बोला हीमोफीलिया सेकंड कलर ब्लाइंडनेस, तो हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं ये सेक्स लिंक्ड होते हैं, और उसमें भी कौन सा? एक्स लिंक्ड, है ना, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड होते हैं और क्या होते हैं? रेसेसिव। बोलो पता चल रहा है? याद रख पाओगे आज के बाद? अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये भी क्या है? सेक्स लिंक्ड है और उसमें भी एक्स लिंक्ड है और रेसेसिव। अगर मैं बात करूं आपका सिकल, है ना, ये पूछा जाता है, सिकल सेल एनीमिया, ये चीज पूछी जाती है, सिकल सेल एनीमिया कैसी डिजीज है? तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि सिकल सेल एनीमिया कैसी डिजीज है, तो कैसी है? ऑटोसोमल, हाँ, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, है ना? अगर मैंने बोल दिया फिनाइल कीटोन यूरिया, देखो फिनाइल कीटोन यूरिया, तो फिनाइल कीटोन यूरिया कैसी डिजीज है? ऑटोसोमल रेसेसिव
डिजीज। अगर मैंने फिफ्थ बोल दिया हीमोफीलिया, याद है हीमोफीलिया तो हो गया यार, हीमोफीलिया तो हो गया। हाँ थैलेसमिया, थैलेसमिया, तो थैलेसमिया भी क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। और मैंने बोला सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ये भी क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। अगर एक और ले ले बस, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है ना, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है ना, हाँ ये क्या होती है? ये ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेंट, डोमिनेंट डिजीज। बोलो पता चला? तो आपको तो मेन दो ही पढ़नी है, एक तो ऑटोसोमल रेसेसिव और एक एक्सलिंग रेसेसिव, आपको वही नॉर्मल मिलती है। लेकिन अब एग्जामिनर चाहेगा अपना लेवल बढ़ाना तो आपसे कहीं से भी पूछ सकता है ना, डोमिनेंट ही पूछ सकता है। तो चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एक पेडिग्री मैं आपको बना के दे रहा हूँ, मैं निकाल लूँ जरा, आसान से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यही बना दूँ? चलो यही बना देते हैं। देखो यहाँ बना देता हूँ नीचे ही। देखो एक फीमेल और एक मेल, ठीक है, जिसमें मेल क्या है? कैरियर। मेल से आई प्रोजेनी, यानी फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में फीमेल अफेक्टेड है और उसका क्रॉस हुआ किसके साथ? दूसरे मेल के साथ जो अनअफेक्टेड है, और वो बना रहे हैं। फिर ये एक और मेल के साथ क्रॉस करा रही है, और यहाँ पे साथ में एक मेल और बन रहा है। थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। दिख रहा है? यहाँ पर एक आया मेल जो अनअफेक्टेड था, उसका क्रॉस हो रहा है एक फीमेल के साथ जो अनअफेक्टेड है या कैरियर है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता भैया कैरियर है अनअफेक्टेड है, वो तो आगे पता पड़ेगा ना। अगर अनअफेक्टेड होगी तो किसी में नहीं होगा। देखो फीमेल और यहाँ पे मेल, एंड नेक्स्ट यहाँ पे बना एक मेल जो कैरियर है और वो लिंक हो रहा है एक फीमेल के साथ, और यहाँ पे दोनों बच्चे आ रहे हैं। मुझे बस ये बताओ ये कौन सी डिजीज है और रेसेसिव है डोमिनेंट है? देखो आपके सामने ऑटोसोमल है, सबसे पहले तो ये बताना है कि ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। ऑटोसोमल मेल से फीमेल में आ गया, मेल में भी आ गया, यार मेल फीमेल दोनों में आ रहा है, मतलब ऑटोसोमल है, क्लियर हो गया। अब रेसेसिव है या डोमिनेंट कैसे? क्यों? जब ये इससे क्रॉस किया प्रोजेनी में भी आ गया, यहां पे कैरियर था यहां आ गया। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ सोचो जरा, कैसे कोई एक्सप्लेन करेगा? कौन? हाँ रेसेसिव है तो ऑटोसोमल रेसेसिव, तो ये क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव, तो ये क्या हो गया? ऑटोसोमल रेसेसिव। कैसे? देखो बताऊं, वैसे तो तुम लोगों ने सही बता ही दिया, तुम लोग समझ ही गए होगे, मैं फिर मैं बताता हूं। देखो अफेक्टेड था मेल, यहां पे मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड हो गई, इसका मतलब इतना पता पड़ गया सेक्स लिंक नहीं है। सेक्स लिंक होता तो मेल से फीमेल अफेक्टेड होती और फीमेल से मेल अफेक्टेड होता, तो यहां पे ये बात तो पता पड़ गई कि भैया ये ऑटोसोमल है। अब डोमिनेंट या रेसेसिव देखना है, फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन में है, सेकंड जनरेशन में देखो, सेकंड जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है। जब क्या बोला था? कोई ना कोई अफेक्टेड होना चाहिए, तो यहां पे तो कोई अफेक्टेड नहीं है इसके साथ। या आप यहां देख लो, यहां कोई अफेक्टेड नहीं है, ना ये है ना ये, तो कैसा हो गया? रेसेसिव। अगर डोमिनेंट होता तो यहां पे भी कोई ना कोई अफेक्टेड होता, पता पड़ रहा है? यानी इस जनरेशन में भी यहां पर या तो ये या ये ऐसे अफेक्टेड होता, पता चला? एक और दूं? चलो एक और देता हूं, देखते हैं। बाकी बोलो
सबसे पहले ये तो पता पड़ गया ये सेक्स लिंक है, ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल। कलर ब्लाइंडनेस कैसी डिजीज है? एक्स लिंक, यानी एक्स लिंक तो ये हो ही नहीं सकती, थर्ड तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे अपने को थर्ड लग रहा था, थर्ड तो ये हो नहीं सकता, तो थर्ड तो यहीं से कट गया, थर्ड को तो यहीं से काट दो, ठीक है। फोर्थ उसने क्या बोला? द मेल पेरेंट इज नॉट कंट्रोल कलर ब्लाइंडनेस। हाँ भाई, कलर ब्लाइंडनेस तो कंट्रोल नहीं। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया था, गलत पढ़ लिया था, कुड नॉट ही है ना। हाँ ठीक है, चलो। तो द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंड, यानी थर्ड वाले के चांसेस हैं, है ना। जब तक सारे ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तब तक टिक नहीं करना है, है ना, कि और भी पॉसिबिलिटी होंगी ना। अब कलर ब्लाइंड एक्स लिंक्ड है, ध्यान से सुनना, कलर ब्लाइंडनेस कैसी डिजीज है? एक्स लिंक्ड, ठीक है। तो इसने बोला द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंड, लेकिन मेल से फीमेल में जाता रहा है, मेल से फीमेल, हाँ मेल में भी जा रहा है, तो अगर डोमिनेंट है तो मेल में भी जाएगा, कलर ब्लाइंड तो रेसेसिव है, कोई बात नहीं। बाकी ऑप्शन देखें, देखो फोर्थ क्या बोला, द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है? मेल का भी होमोजाइगस होगा? मेल तो हमेशा हेटरोजाइगस होता है, एक एक्स और एक वाई, तो फोर्थ तो नहीं होगा। चलो फोर्थ को काट देते हैं। चलो अब कौन बचे, फर्स्ट और सेकेंड। सेकेंड बोला है द पेरेंट्स कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस करेक्टर। इसने क्या बोला, द पेरेंट कुड नॉट हैव, यानी उसके पास नहीं होगी नॉर्मल डॉटर, नॉर्मल डॉटर नहीं होगी, ये बोला उसने। क्यों नहीं हो सकती? अगर फीमेल हेटरोजाइगस हुई, देखो सुनो, हेटरोजाइगस मतलब डिजीज, देखो इधर देखो मेल, अरे इधर देख लो माता, देखो एक्स और वाई है, एक्स कैरियर था, ठीक है, यहां पे ये एक्स और एक्स है। अगर एक देख लेते हैं, रुक जाओ, एक एक्स सी और वाई और एक एक्स और एक्स, तो एक्स और एक्स सी और एक्स और वाई, एक्स और एक्स सी और एक्स और वाई, कैरियर है ना। रुक जाओ, थम जाओ भाई, उसने हेटरोजाइगस बोला है ना, तो दूसरी कंडीशन भी तो लगा लो, इतनी जल्दी एक्साइट क्यों हो रहे हो। अगर मैं एक्स सी लगा लूं अब तो क्या हो जाएगा, एक्स सी और वाई और एक्स सी और एक्स, तो एक्स सी और एक्स सी अफेक्टेड, और एक्स सी और वाई अफेक्टेड, एक्स और एक्स सी कैरियर और एक्स और वाई नॉर्मल। तो क्या मेल नॉर्मल आ रहा है? मेल नॉर्मल आ रहा है ना, देखो एक मेल नॉर्मल है और एक मेल क्या है, अफेक्टेड है, और दो फीमेल है, एक कैरियर है, दोनों, हाँ नहीं नहीं दोनों अफेक्टेड है, दोनों अफेक्टेड है मतलब ये डोमिनेंट है। हाँ उसमें कैरियर है, यानी एक कैरियर है और एक, एकदम सही कह रहे हो तुम लोग, मैं बोलूं, एक कैरियर है एक डोमिनेंट है, ठीक है, यानी ये वाली अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये कैरियर है, होना यही चाहिए। अगर ये एक्सी डोमिनेंट ट्रेट हुआ, यानी डोमिनेंट ट्रेट हुआ, तो क्या ये कैरियर होगी? तो ये क्या होगी? तो देखो दोनों अफेक्टेड है ना, इसके अंदर डिजीज कैसी है? डोमिनेंट। और कलर ब्लाइंडनेस डोमिनेंट है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, पता चला, इसलिए मैंने उस टाइम कलर ब्लाइंड को काटा नहीं था। फोर्थ क्यों नहीं है? द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब एक्स और वाई दोनों पे, वाई पे वो जीन होगी नहीं, एक्स पे होगी। अगर एक्स वाई, रुक जाओ, लो ये भी बता देता हूं, अगर एक्स और वाई दोनों पे जीन है तो एक्स सी वाई सी, एक्स सी और एक्स, एक्स सी एक्स सी, एक्स सी और वाई सी, और एक्स और एक्स सी और एक्स और वाई सी, सारे मेल क्या हो गए? अफेक्टेड हो गए। अगर डोमिनेंट है तो सारे मेल क्या हो गए? अफेक्टेड। लेकिन यहां तो मेल क्या है? अनअफेक्टेड है ना, यानी पेरेंट को देख करके अब देख कंडीशन लगानी पड़ेगी ना कि क्या फीमेल कैरियर तो नहीं है और डिजीज डोमिनेंट तो नहीं है, तो सारी जनरेशन को देखना पड़ेगा ना। तो देखना बस क्या था,
देखना यही वाला पार्ट था, यानी मेल तो पता है अफेक्टेड है और एक्स ही है, लेकिन फीमेल में देखना था होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है। पता चला अब क्लियर है? अब तो डाउट नहीं है, टाइम लगेगा क्वेश्चंस को समझने में, है ना, क्विकली नहीं होंगे पेडिग्री के, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करोगे ना और कंफ्यूज नहीं होगे तो हो जाएगा। तुम लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हो। अगला क्वेश्चन दूं, मुझे एक चार्ट बना के दिया है फिर से, मेल है और फीमेल। देखो एनसीईआरटी में मेल कैरियर या फीमेल कैरियर के लिए कोई भी ऐसे डिनोटेशंस नहीं है, तो इसलिए इन डिनोटेशंस को हम लोग भूल जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी में कैरियर है तो उसको भी पूरा कर दिया है, और अफेक्टेड है तो उसको भी पूरा कर दिया, ठीक है, या कैरियर है तो उसको पूरा ऐसे छोड़ दिया और अफेक्टेड है उसको पूरा छोड़ दिया। यानी एनसीईआरटी ने क्या किया, कैरियर के लिए कोई अलग से कुछ भी नहीं बनाया है। बोलो समझ आ रहा है? अब देखो आपका यहां से क्या क्या बन रहा है उसको देखते हैं। देखो एक तो आपका बना मेल, दूसरा भी क्या बना मेल, एक मेल, ये मेल अनअफेक्टेड है लेकिन ये अफेक्टेड है, और क्या मिला, यहां से मिली एक फीमेल, और फीमेल का क्रॉस हुआ एक मेल के साथ, और जो बच्चे बने वो बने, देखो बच्चों में मेल क्या है, अफेक्टेड है, है ना। अच्छा इसके बच्चे अभी आगे और हैं, एक फीमेल है जो अफेक्टेड है और एक मेल है जो अनअफेक्टेड है, और आपको ऑप्शन क्या दिए हुए, ऑप्शन नंबर पहला है इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन। ये कैसी इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया कैसी डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव, वही याद रखना है, वैसे एग्जाम में ऑप्शन में देता है लेकिन आपको याद रखना है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है आपको, द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग, है ना, द पेडिग्री चार्ट, देखो द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग, सब गलत है, एज दिस इज नॉट पॉसिबल, एज दिस इज नॉट पॉसिबल के मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि पेडिग्री चार्ट ऐसा हो, लेकिन अपने को क्या पता कि फीमेल या मेल कैरियर है कि नहीं, नॉर्मली मेल तो कैरियर आएंगे नहीं, फीमेल ही कैरियर आएगी, ठीक है। थर्ड आपको बोला है इनहेरिटेंस ऑफ अ, इनहेरिटेंस ऑफ अ रेसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज लाइक हीमोफीलिया, और फोर्थ आपको बोला है बेटा इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक इन बॉर्न एरर, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ अ सेक्स लिंक एरर इन बॉर्न पैदा होने से पहले एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइल कीटो यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। अब कुछ मत देखो, बस फिनाइल कीटोन यूरिया देखो, कैसी डिजीज है, ऑटोसोमल रेसेसिव, और यहां पे ही फिनाइल कीटोन यूरिया। अब आराम से इसको देखो और आराम से देख के मुझे आंसर बताओ, सारे पॉइंट्स पढ़ो देखो। हाँ, फर्स्ट और फोर्थ में डिफरेंस ये, क्या फिनाइल कीटोन यूरिया इनबॉर्न डिजीज है, मतलब जन्म से पहले ही हो जाती है क्या, नहीं होती ना, जन्म के बाद होती है। फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होगा, म्यूटेशन, रेसेसिव है ना, फिनाइल कीटोन यूरिया कैसी है, ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस ऑफ अ, अरे
फोर्थ वाले उसमें अंतर क्या है, इसे सेक्स लिंक्ड बोले, लेकिन ये तो कैसी होती है, ऑटोसोमल होती है, तो भैया ये तो यही गलत हो गया, फोर्थ तो गलत हो गया है ना। देखो रेसेसिव सेक्स लिंक्ड बोल दिया फिर से, तो क्या हो गया, हीमोग्लोबिन सेक्स लिंक्ड होती है, ये तो सही है। हाँ गलत मत कर देना, पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग, यार नॉर्मली ये नहीं होता, चार्ट बना के दिया है तो रॉन्ग नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देखो अगर पेरेंट अनअफेक्टेड है, यानी पेरेंट तो क्या है एक्स और वाई, लेकिन फीमेल या तो एक्स एक्स होगी या एक्ससी और एक्स होगी या तो कैरियर होगी, है ना। इसका मतलब ये तो पता पड़ गया डिजीज रेसेसिव है। अगर डिजीज डोमिनेंट होती, सुनो अगर डिजीज डोमिनेंट होती तो अगर एक्ससी होता तो फीमेल कैरियर होती, यानी इतना पता पड़ गया कि फीमेल कैसी है, डिजीज कैसी है, रेसेसिव, इतना पता पड़ा। तो रेसेसिव की कंडीशन कौन कौन सी आई, थर्ड देखो रेसेसिव आ रहा है, और फिनाइल क्यूटोनूरिया भी कैसी है, ऑटोसोमल रेसेसिव। अब अपने को किसका डिफरेंस देखना है, बस सेक्स लिंक्ड का और ऑटोसोमल का, कि सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल, ठीक है। अगर फीमेल कैरियर है यानी एक्ससी और एक्स है, अगर सेक्स लिंक्ड होता तो फीमेल कैरियर है तो मेल में जा रहा है, लेकिन यहां तो मेल फीमेल दोनों में जा रहा है, तो सेक्स लिंक तो नहीं हुई, फिर कौन सी आई, ऑटोसोमल, और ऑटोसोमल कौन सी है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। पता चला कैसे करना है, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन दूं आपको, बताना है सेकंड और थर्ड क्या क्या है, ध्यान से देखो। सेकंड तो थर्ड तो अफेक्टेड है, दैट मींस एक्स वाई और एक्स वाई तो हो ही नहीं सकते, तो ये दोनों तो क्या हो गए, पहले ही कैंसिल हो गए। अब बचे ये दोनों, अब थर्ड वाले में एक्स ही होता तो इसका मतलब फीमेल क्या होती, अफेक्टेड होती, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, इसका मतलब फर्स्ट वाला है। इतना पता पड़ा, है आसान, एकदम लल्लू सा था ये, तो बहुत आसान था ये, तुम लोग आराम से कर लेते। और दूं एक और, एक आध और दे लेंगे भाई। अब आपको बता रहे किसका चार्ट है, सबसे पहले देखो हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, सॉरी हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, दोनों की दोनों कैसी डिजीज है, एक्स लिंक्ड, यानी सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड में क्या हो रहा था, फीमेल से मेल में, लेकिन फीमेल से फीमेल में भी आ गया, इसका मतलब ये सेक्स लिंक तो नहीं है, इतना पता पड़ गया। इसका मतलब सेक्स लिंक नहीं है, मतलब ये हीमोफीलिया भी नहीं हो सकती और कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं हो सकती। अब इन दोनों में ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे आ जाओ सिकल सेल एनीमिया, और हाँ जो पढ़ा ही नहीं है छोड़ो उसको, उसको टिक क्यों करना, जो पढ़ा ही नहीं है, जिसके बारे में एनसीईआरटी में दिया पढ़ा ही नहीं है, तो हमें कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब कौन बचा, सिकल सेल एनीमिया, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें भी देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये जो फीमेल है ये कैरियर है या फिर अफेक्टेड है, मैंने बोला कैरियर या अफेक्टेड, अफेक्टेड है, कैसे देखे एक बार, दोनों क्रॉस बना के देख ले। अगर ये देखो दोनों बना के देख रहे हैं, देखो एक बार एक्स वाई, एक बार एक्ससी और एक्ससी अफेक्टेड, और दूसरी बार एक्स वाई एक्ससी और एक्स, अब एक एक्स एक्ससी एक्स और एक्ससी, एक एक्ससी और वाई, एक एक्ससी और एक्स, और एक एक्ससी और वाई, यानी मेल क्या है यहां पर, अफेक्टेड है, तो भाई ये तो नहीं है। अच्छा यहां बना के देखे एक्ससी और एक्स और एक्ससी और वाई, और यहां पे एक्स एक्स और यहां पे एक्स वाई, तो इसका मतलब कैरियर थी ना फीमेल, हमें क्या लगा अफेक्टेड, देखो मेल अफेक्टेड भी है और मेल अनअफेक्टेड भी है, फीमेल अफेक्टेड भी और फीमेल अफेक्टेड, इसका मतलब ये जो है ये क्या है, कैरियर है, यानी फीमेल क्या थी, कैरियर थी। पता चला, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, पता चला, आराम से करना है, आराम से हो जाएगा। बोलो किसी को कोई डाउट, पक्का पता चला। अब एक क्वेश्चन और कर ले, अपने पास बतेरा टाइम है ना, तो वहां से बोलो क्या होगा,
अगर मैंने बोला ऑटोसोमल रेसेसिव है, क्या ऑटोसोमल रेसेसिव है? अगर ऑटोसोमल रेसेसिव होती तो मेन पेरेंट को देखो, अगर रेसेसिव होती, हाँ है कि नहीं? चलो तुम बताओ क्यों नहीं है, क्रॉस करके देख ले, चलो क्रॉस करके देख लेते हैं। लो मेल तो अफेक्टेड है एक्स सी और वाई, लेकिन फीमेल जो है वो एक्स सी एक्स सी हो सकती है या फिर एक्स ऑटोसोमल नहीं। हम लोग पहले सेक्स लिंक देख लेते हैं फिर ऑटोसोमल पे फिर आ जाएंगे। तो एक्स सी और एक्स है ना। अब दो कंडीशन आई, देखो हमेशा पहले सेक्स लिंक वाला करके देख लो, अगर सेक्स लिंक वाला काम ना करे तो ऑटोसोमल वाला कर लो, एक्स सी और वाई और एक्स सी और एक्स सी, यहां पर एक्स सी और वाई और एक्स सी और एक्स। तो देखो एक्स सी वाई, एक्स सी और एक्स सी और एक्स सी वाई सब अफेक्टेड होते हैं। क्या सब अफेक्टेड है? नहीं है। अच्छा यहां देखो एक्स सी एक्स सी, एक्स सी और वाई, यहां पे एक्स और एक्स सी और यहां पे एक्स और वाई। तो इसका मतलब देखो फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल कैरियर भी हो सकती है। अगर रेसेसिव है तो फीमेल कैरियर भी हो सकती है। दूसरा उसने क्या बोला, ये वाला, क्या कोई फीमेल नॉर्मल है? मेल देखो, मेल नॉर्मल है और मेल अफेक्टेड भी है, लेकिन तो मेल अफेक्टेड का है ये वाला, तो मेल अफेक्टेड भी है और मेल नॉर्मल भी है। ये रहा मेल नॉर्मल, इतना तो पता पड़ गया कि अभी बताओ इतनी बार पता पड़ी, यानी ये तो पता पड़ा कि ये सेक्स लिंक्ड है, इतना पता पड़ गया, यानी ऑटोसोमल को तो काट दो, ये तो पता पड़ गया सेक्स लिंक्ड है। अब एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है? एक्स लिंक्ड, क्यों? और वाई होता तो सारे मेल अफेक्टेड होते, यानी वाई लिंक्ड भी नहीं है। अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या रेसेसिव है ये देखना पड़ेगा, क्या है? डोमिनेंट है। तो आंसर इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। बोलो पता चला? अच्छा मुझे नहीं पता चला, मुझे ये चीज नहीं पता चल रही कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्यों है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव क्यों नहीं है, क्योंकि हाँ क्योंकि 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 देखो एक्स सी की वजह से हेटरोजाइगस होने की वजह से, हेटरोजाइगस होने की वजह से नहीं, हेटरोजाइगस होते हुए भी अपने आप को डोमिनेट कर रहे हैं। यहां पर ये कैरियर थी लेकिन ये भी अफेक्टेड है, इसका मतलब ये डिजीज कैसी है? डोमिनेंट है। रेसेसिव होती तो फीमेल चाइल्ड कैसी आती है? हमेशा एक अफेक्टेड होती और एक कैरियर होती है ना, अफेक्टेड होती यानी ऐसे होता, लेकिन यहां तो ऐसे है। पता चला डोमिनेंट क्यों है? दोबारा बताऊं, दोबारा सुन लो फिर भी, अगर फीमेल जो है वो हेटरोजाइगस है तभी ये वाली पेडिग्री आ रही है। अब अगर रेसेसिव होती तो फीमेल क्या होती, ये वाली अनअफेक्टेड होती, यानी कैरियर होती अनअफेक्टेड होती, लेकिन यहां पे तो दोनों फीमेल क्या है, अफेक्टेड है, इसका मतलब क्या है? ये डोमिनेंट है। अब पता चला पक्का, और एक्स लिंक तो अपने ऊपर चल गया, तो आसान था, कर पाओगे तो हाँ बोलो। हाँ मैंने क्या बोला, मैंने ये नहीं बोला फीमेल कौन सी, ये वाली अफेक्टेड होगी या कैरियर होगी, दोनों में से एक है, या तो फीमेल अफेक्टेड है कैरियर। अब अगर जीन डोमिनेंट है तभी वो अफेक्टेड है, अफेक्टेड या कैरियर, अगर देखो अफेक्टेड है तभी वो नॉर्मली ऐसे बना रहा है, नॉर्मल कैरियर में वो सिंपल ऐसे बना सकता था। अब थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है? तो यहीं से देखना होमोजाइगस या हेटरोजाइगस। चलो तो क्लियर है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है?